टीवी चैनल पर डिबेट शो सभी ने देखा है। किसी मुद्दे पर पत्रकार दो पक्षों से सवाल पूछता है और बहस होती है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि शो के दौरान किसी नेता ने पत्रकार की पिटाई कर दी हो? शायद नहीं, पर ऐसा ही हुआ है जब टीवी चैनल पर चल रहे लाइव शो के दौरान एक नेता ने पत्रकार की पिटाई कर दी। मामला पाकिस्तान का है। यहाँ के टीवी चैनल पर चल रही डिबेट में एक नेता ने वरिष्ठ पत्रकार इम्तियाज खान पर हमला कर दिया। घटना में शामिल नेता मसरूर अली सियाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। लाइव शो के दौरान हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल नेता और पत्रकार दोनों टीवी चैनल के शो न्यूज लाइन विद आफताफ मोगेरी में हिस्सा लेने पहुंचे थे। शो में सवाल जवाब का दौर चल रहा था। वीडियो में दिख रहा है कि पीटीआई के नेता पत्रकार को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वे ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं करते। इस दौरान जब पत्रकार ने उसी तरह जवाब दिया तो नेता को गुस्सा आ गया और वो अपनी सीट से खड़े हो उठे। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता मसरूर अली सियाल अचानक अपनी सीट से उठे और बगल में बैठे कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट इम्तियाज खान की पिटाई करने लगे और उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद इम्तियाज़ ने भी उन्हें गिराने की कोशिश की। हालांकि कैमरे बंद कर दिए गए और उसके बाद किलादाई कैमरे में कैद नहीं हो सकी, लेकिन कुछ देर बाद दोनों वापस फ्रेम में आए और एक दूसरे को नतीजा भुगतने की धमकी दी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोग इसको लेकर सवाल भी पूछ रहे हैं। पत्रकार नायला इनायत ने लिखा, क्या यही नया पाकिस्तान है? पीटीआई के मसरूर अली सियाल कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट पर लाइव न्यूज शो में हमला कर रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।